आज हम बनाएंगे बंगाली मिठाई आम भप्पा दोई। इसे आप स्टीम योगर्ट भी कह सकते हैं, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। इतना डिलीशियस, इतना क्रीमी और चीज़ी ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। तो हम आज बताएंगे कि हमने ये मिठाई कैसे घर पे बनाई, बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए, सबसे पहले हमें दही को बना लेना है हंकट। इसलिए हमने स्टेनर के ऊपर मलमल का कपड़ा रख के लगभग 2 बाउल, ये आधा लीटर से ज़्यादा दही है, इसे किसी भारी बर्तन से दबाकर ओवरनाइट हमें रख देना है फ्रिज में। अब देखिए, हमने इसे रात भर रखा हुआ था दबाकर, तो ये एकदम पनीर के टेक्सचर का बन चुका है। अब हम इसे बाउल पे निकालेंगे और इस पर डालेंगे लगभग 2.5 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क। आप अपने स्वीट के अकॉर्डिंगली इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद हम इसमें लगभग 2 दशहरी आम का मैंने इस्तेमाल किया था, उसका पल्प डाल के, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, इन सब तीनों चीज़ों को अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। आप जितना अच्छा विस्क करेंगे, आपका भप्पा दोई उतना ही क्रीमी बनेगा। तो देखिए, ये बढ़िया से एकदम मक्खन के जैसा क्रीमी बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे कि जिस मोल्ड पर हमें भप्पा दोई बनानी है, उसमें बटर पेपर लगा के ये सारा का सारा बैटर उस पर डाल देंगे। अच्छे से डालने के बाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें इसे। ये मोल्ड पर सारा बैटर डालने के बाद हम इसे इक्वली लेवल पर लगा देंगे। इसे स्टीम्ड दही भी कहा जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। अच्छे से जब ये लेवल पर आ जाए तो हम इसे अच्छे से टैप भी कर लेंगे, जिससे कि इस पर कोई बबल्स ना हो। अब हम इसे फॉइल पेपर की मदद से इसके ऊपर को ढक देंगे, जिससे कि जब हम इसे स्टीम करें तो इसमें कोई भी पानी ना जाए। कढ़ाई पर पानी और एक बर्तन रख के हम इसको मोल्ड को उसमें रख देंगे, और यहाँ से स्टीम वापस बाहर ना आए तो हम इसे बंद कर लेंगे। और लगभग 25 मिनट हमने इसे स्टीम किया है, तो ये हमारी भप्पा दोई अच्छे से स्टीम्ड हो चुकी है। इसे निकाल के हम फ्रिज में लगभग 2.5 से 3 घंटा इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ये बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। नाइफ की मदद से हम इसके कॉर्नर्स निकालेंगे और इसे दूसरी प्लेट पे डीमोल्ड कर देंगे। तो देखिए, एकदम क्रीमी सा हमारा भप्पा दोई बनकर तैयार है ना। अब इसे हम मैंगोस के स्लाइसेस के साथ और पिस्ता के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल, केसर, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहद सा डिलीशियस हमारा भप्पा दोई बनकर के तैयार है, एकदम क्रीमी चीजी। तो आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम हेल्दी है ये। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये एकदम परफेक्ट डेजर्ट बनकर के तैयार है, एकदम चीजी और क्रीमी। आप लोग भी इसे इजीली घर पर बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भप्पा दोई बनाते समय आपको स्टीम का बेहद ध्यान देना है कि इसे कितनी देर तक स्टीम करना है। जो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम पर रख के हमें इसे स्टीम करना है। तो आप लोग भी इसे बनाइए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आए तो फिर खाओ पियो मजे करो।